سعودي بارك الله في عمري اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آیات بینات سے آج کی اس محفل کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جناب محمد ندیم قریشی صاحب، انہوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے، اللہ پاک ان کی عمر میں عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مسند صدارت صاحبزادہ علی شاہ جناب محمد فراز حسین رحمانی صاحب کاڑا سے تشریف لائے اور اس بابرکت عظیم شان محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، میں دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر آج کی اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عمر کی ذریعہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قیامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح انتظامیہ کا حکم، اس کے مطابق انشاءاللہ محفل کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو آئیے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم مشریف بھی وہ پڑھیں گے، پھر بعد میں پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پڑھیں گے۔ جناب محمد انعام اللہ خان رحمانی صاحب تشریف لاتے ہیں، ہمارے سیرا سے وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ ان کے آمد سے پہلے ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करूंगा अब सब लोगों ने मेरे साथ मिला भूतान में मुकुमा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने ईद मिलाद उन नबी, जश्ने ईद मिलाद उन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोने की आमद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, निजाम चल रहा है, तेरा आसिता सलाम
और किसी बख्तिया अपनी हाजरी लगवा रहे सन उन्होंने हाजरी के दौरान तुहाडे कबीर वाला दी शान दे नाम मोहतरम मुल्बका भाई मोहम्मद जुनेद रजा तारी साहब तशरीफ लाए। मैं दिल के तागराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस खूबसूरत महफिल नजर करम सुने कौन किस्सा दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। पीर तरीकत रहबरे शरीयत कलमे बामल जना पीर मोहम्मद रियाज हुसैन रहमानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़ेर सदारत हुआ करती थी। अल्लाह पाक उनके फ्यूजात से हमें मनहूज फरमाए और आज मसनद सदारत पे उन्हीं के लगते जिगर साहबजादा आली शान पीर तरीकत रहबरे शरीयत जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद फराद हुसैन रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा है। माशाल्लाह चमकते धमकते चेहरे के साथ स्टेज की जीनत बने। अल्लाह पाक आपको मेरे गुजरियत आप फरमाए। जरा मोहब्बत ना एक बड़ी ऊंची आवाज़ में कह चलो सुभान अल्लाह। आप पिछले बंदे जो बैठे हो ना के गुजारिश करा ला अगर तुसी चंद कदम अगे के तशरीफ लै ताकि दोस्त जो पिछों आ रहे हैं उन्होंने बैठने वास्ते आसानी हो जाए ताकि माहौल जोड़ा खुशगवार बन जाए। अगर तुसी पीछे बहोगे तो जो दोस्त आन गए वो थोड़े इतों छलान लगा के जाएंगे तो फिर महफल का डिसिपलिन जोड़ा खराब हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी जोड़ा नबी दी अहले बैत को मानता है पांच पांच पाक के नाँ के पांच पांच कदम अगे तशरीफ लै। बड़ी मेहरबानी अगे अगे तशरीफ लै सारे दोस्तों बुजुर्ग हो नौजवान हो माशाला आना पिलर का सहारा लैके बैठे हो। यह सहारा नहीं मदीने वाले का सहारा लैके बहो अगे अगे तशरीफ लै। बड़ी मेहरबानी सारे दोस्त नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाल अज जो दरवाजे के दोस्त खड़े हो मैं अगर बार बार गुजारिश कर रहा मेहरबानी फरमा के तशरीफ पंडाल च लै अगे तशरीफ लै। बड़ी मेहरबानी क्योंकि खड़े होकर तमाशा देखा जाता है। माशाल्लाह इतना खूबसूरत इंतजाम भाई रहमानी साहब ने किया है। योजा इंतजाम तो असं लाहौर इस्लामाबाद में जाइए तो उजा इंतजाम होंगे कि अब माशाल्लाह साढ़े मखदूमपुरा के इन्होंने इंतजाम किया। माशाल्लाह अज इवें पिया लगता है कि 12 रुपये लोमल जी अजे आनी है अज आ गई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंतजाम लाइटिंग माशाल्लाह बड़ा इंतजाम है। अल्लाह पाक इन्हों मजीद तरक्या ता फरमाए। जरा मुहब्बत न हाथ बुलंद करके नारे तकबीर लंगर खाता जे कि नहीं ये दसो जिंदा खाई उसे गीत गाइए। सोनिया तेरा लंगर हर वाले जा रही है जेड़ा खावे ओदी दूर बीमारी है और लंगर खाती बैठे हो तो हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। नहीं नहीं इतने आवाज जी गुम्बद खजरा तक जाए पता चले अज मखदूमपुरा दे विच आका दे दीवाने बैठे ने नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद महबूब दीवा
स्टेज वाले भी जरा तुसी भी बोल छोड़ो सुभान अल्लाह ए तन मेरा कंडी हो रहे ते मैं सुलफ महबूब दी वामा ते पोश मेरे दी पड़ जाए जुत्ती मैं आका दे पैरी पा पोश मेरे दी पड़ जाए जुत्ती ते मैं आका दे पैरी पावा ते यारो जे सोहना मेरे दुख विच राजी जिन्हों समझ लगी हो बंदा उच्ची आवाज में बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह تشریف لیان گے سرکار مدینہ دی بارگاہ چ ہدیہ انعام دا نذرانہ پیش کرن گے نعرہ تکبیر سچ کیے اسی کوڑ کٹ دیواں گے سچ کیے اسی کوڑ کٹ دیواں گے او کوڑیاں دے کوڑ تے چبوڑ کٹ دیواں گے او سانو رائفلاں بندوقاں دی لوڑ نہیں اسی نعرے نال منافقاں دی توڑ کٹ دیواں گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت
हाथ चुक के बोले या रसूल अल्लाह ओ कभी खत्म होता आटा नहीं होता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 سلام عليك يا حبيب الله کملی والے دا ہویا ظہور جس دم رحمت رب دی فیض لٹا رہی سی जिदे सदके सारा जहान बनया ओदे सदके विच करम कमारी सल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाह बादे सबात ने सुना रही सी सुने हर कोई हम तन गोश होके समझे एक एक बशर नुआरी ਢੋਲੀ ਨੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇੜਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਢੋਲੀ ਨੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇੜਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੇ ਆਮਿਨਾਂ ਨੂੰ बाप मिठाइया दे थाल वंडे वांडे वांडे अंदर ही हमने फर्क लगा कोई नाल तौफीक दे यार वंडे ए ताया अपने जरफ दी गल हुंदी कोई मिठाई वंडे कोई नाल वंडे आमद जदा हजूर दी होई नाज़िल अल्लाह पाक ने माया नू लाल वंडे आमद जदों हजूर दी होई नाज़िल अल्लाह पाक ने माया नू लाल वंडे ते किसे होर नू नहीं नसीब जग ते जो कुछ लुटे नजारे ने साथिया ने वाली उम्मत दे नू लाके नाल सीने सोने वक्त गुजारे ने साथिया ने लेके गोद विच अखा विच पा सुरमा हथी वाल सवारे ने साथिया ने देखे लोरियां रब दे हबीब ताई अच्छी दिते हुलारे ने साथिया कमली वाले ने जो तुरन दी जांच सिखी अगे पिछे हजूर दे खुलती रही ओ सजन माई हलीमा दे जांच दुके जेड़ी होट हजूर दे चुबदी रही ਜਿਹੜੀ ਹੋਠ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚੁੰਮਦੀ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਸਜਾਈ ਬੈਠਾ ਆਸ ਮਦਨੀ ਦਿਲਾਈ ਬੈਠਾ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਸਜਾਈ ਬੈਠਾ ਆਸ ਮਦਨੀ ਦਿਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਣੇ ਅਮਲਾਂ
ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਣਾ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਣਾ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਬਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਈ ਬੈਠਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਬਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਬਾ ਮੁਕਾਈ ਬੈਠਾਂ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਸਜਾਈ ਬੈਠਾਂ ਆਸ ਮਸਨੀ ਦਿਲਾਈ ਬੈਠਾਂ ਗੂੰਜੀ ਉੱਠੀਏ ਵਾਤੀ ਪਈ ਰਹਿਮਤ ਝੁਮਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਜ ਗੂੰਜੀ ਉੱਠੀਏ ਵਾਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਜਾ ਪਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਮਹਾਬੂਬਾ ਜ਼ਰਾ ਗੁੰਗਟ ਚੁੱਕ ਦੇ ਮੁਕੜੇ ਅਸਾਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂਓ ਦੀਦਾਰ ਬਿਨਾ ਅਸਾਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂਓ ਦੀਦਾਰ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਲੋਲੋ ਅੱਜ ਫਰਿਆਦੀ ਅਸਾਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂਓ ਦੀਦਾਰ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਲੋਲੋ ਅੱਜ ਫਰਿਆਦੀ ਪਈ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਆਰ ਓ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਤੀ ਤੇਰੇ ਹੂਰਾਂ ਮਲਕ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਭਾਤੀ ਪਈ ਰਹਿਮਤ ਜੁਮਰਾ ਅੱਜ ਗੂੰਜੀ ਉੱਠੀਏ ਵਾਤੀ ਸੁਭਾਨ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਨਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਂ ਨਾਤ ਖਾਨੀ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਾ ਖਾਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਏ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਏ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਚਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ
पाक पत्थर शरीफ ख्वाजा मुख्तार काकी रहमतुल्लाह ने आप तशरीफ लैके आए बाबा फरीदुद्दीन बन्ने शकर के दरबार होंगे ते उत्थे हक फरीद या फरीद के नारे पे लगन तो एक संगी से कहने लगा बाबा जी वेखो ना इन्हां नूं ते अल्लाह का जिक्र करना चाहिए हक फरीद या फरीद कह रहे हैं तो ख्वाजा साहब फरमा लगे संगिया मैनू तेज लगता है इस वेले अल्लाह भी हक फरीद या फरीद कह रहा है इस वेले अल्लाह भी हक फरीद या फरीद का कहना है और संगी कहना बाबा जी मैं ये तवक्को तो नहीं थोड़े को आपने फरमाया मैं अपने कलों से नहीं आख्या मैं तो रब दे कुरान पढ़ के आख्या ना अल्लाह कुरान च फरमाता है फज कुरूनी अज कुरको वश कुरूनी वला तक फुरू ऐ बंदिया तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करा यार अज असं अल्लाह का जिक्र करा तो आसमाना तो रब सा जिक्र करे जरा उच्ची आवाज ना उदो में हाथ उलंद करके बोलो सुभान अल्लाह अजे तक हर बंदा नहीं बोलिया जेड़ा मदीने वाले जो सदका खाता जरा उच्ची बोले सुभान अल्लाह मौलाना भाई जुनेद रज़ा कादरी साहब को दावत देनी है उन्होंने जी फरमाइश की है उसके मुताबिक मैं मिलाद शरीफ पढ़ के मैक जरा उन्होंने हवाले कर लगा आओ हजरत अम्मा हलीमा साहब जी की बारगाह चलते हैं जिन्हों जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है जरा हाथ बुलंद करे हाँ आओ अज मेरी मेरे महबूब की माँ का जिक्र हो लगे मैं वेना कि बंदा मेरे महबूब की अम्मा का जिक्र सुन के हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह बोलेगा साफ करी में बकरिया दाड़ा हली हलीमा मैना हाल रख ले साफ करी में बकरिया दाड़ा हलीमा मैना साफ करी में बकरिया दवाड़ा हलीमा मैना नाल रख ले नाल रख ले हलीमा मैना नाल रख ले नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत दोनों हाथ बुलंद करके नारा जमाल को है तूर भी बोलता और इश्क जद बोलता है मंसूर भी बोलता और असी सारे ही नचोड़ कट छे अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है नजरों ने के घटा देखी है अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है जू तो करते हैं शबीर सभी बंदगी लेकिन तेरी बंदगी समाने से जुदा देखी है और सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी अरे जब से गाजी की जमाने ने वफा दे सर झुका जरा
ਅਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆਓ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਤੇ ਸੁਬੇ ਮਕਬੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸਨਾਖਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਤਰਮ ਉਲ ਮਕਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਪ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਰਜ਼ਾ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਥ ਖਾਨਾ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਤਕਬੀਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਨਾਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹਾਜੀ ਖਾਜਾ ਕੁਤਬ ਫਰੀਦ महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं अरे आप ही जिनको सरकार बुलाते हैं मैं तकरीबन 10 साल से आ रहा हूँ महबूब की महफिल को महबूब सजा बैठे अरे था दिल के मुकद्दर में वो सब कुछ छोड़ के आ बैठे माशाल्लाह मैं भाई मशकूर हूं अपने भाई आशिक रसूल गदाए दरबत गदाए फरीद भाई मलक अरशद खान रहमानी दामद रंदा मुस्तफिया के ऊपर जाना चाहिए हर दफा याद कर देने ये उन्होंने मोहब्बत है आपने जिक्र दी काविश है कैसे थे हाजिर होने हैं माशाल्लाह तुम सिर्फ स्टेज पे पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत उल्ला साहबजादा मोहम्मद फराज साहब रहमानी दम पर कातल कुसिया आप सदा फरमा रहे हैं पर मैं तो मेजबान हूं इंशाल्लाह मैं मुख्तसर हाजिर पेश करूंगा मेरे बाद भाई मोहम्मद सलमान साहब भाई मोहम्मद इमरान रहमी साहब और भाई शहबाज सुल्तान साहब साथ में पेश फरमाएंगे इस यकीन के साथ पढ़ना है कि असली पर्दे पे ज़हरा दे बाबा साहब हुजूर की जात से इधर तुम थोड़े ज़हरा दा बाबा राजी हो जाते मोहब्बत दो हाथ ठाक के तुम पास पड़ो जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह वसल्लम Oh
बड़ा उठो गया सुभान अल्लाह उची बोलो मैं कोई मिसज न ढोलन दे आहा सुहूरत
सुबह 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 सुब